हम जानते हैं बंगाल के बारे में जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर है। बंगाल अभी सबसे ज्यादा चर्चा में दोस्तों क्यों है? तो पहला इसका कारण है अभी चुनाव है, और जहां पर चुनाव होता है दोस्तों वहां सबसे ज्यादा चर्चा होती है। और दूसरी चर्चा इसलिए है कि मात्र 2016 के अंदर मात्र तीन सीट जीतने वाली बीजेपी आज वहां पर सरकार बनाने के लिए मतलब मर रही है, और बहुत जबरदस्त कैंपेनिंग हो रही है दोस्तों, बहुत जबरदस्त। तो बंगाल के बारे में आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि वहां पे किसकी सरकार थी, वहां पे कौन सी पार्टी पहले रह चुकी है, अभी वहां पे बंगाल में गवर्नर कौन है, सब कुछ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बंगाल का गठन 1950 को हुआ था, और यहां पर पहली बार INC की सरकार थी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी आई, कम्युनिस्ट पार्टी की दोस्तों 34 साल सरकार थी, 34 ईयर, बहुत बड़ी बात है यार दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और जिस तरह से उन्होंने 34 साल काम किया है, और 34 साल दोस्तों बहुत बड़ी, ये रिकॉर्ड है अब तक का, जबरदस्त 34 साल का रिकॉर्ड है, उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन लोग उनसे निराश थे और ज़्यादा काम नहीं हुआ। लेकिन जब 2011 के अंदर ममता बनर्जी के रूप में एक विकल्प मिला, तृणमूल कांग्रेस के रूप में बंगाल के लोगों को एक विकल्प मिला, और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ ममता बनर्जी ने वहां पर वापसी की और सरकार बनाई। और अभी वहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है जो पिछले 10 साल से बनी हुई है। ये दूसरा सेशन था सरकार का, और अभी 2021 में मतलब इस साल अभी चुनाव चल रहे हैं वहां पे। अब देखते हैं कि वो अपनी हैट्रिक लगा पाती है या नहीं लगा पाती है। हैट्रिक या तो लगाएगी या फिर बीजेपी उसे क्लीन बोल्ड कर देगी। लेकिन इन सब के बीच शुरुआत करने वाली कांग्रेस कहां रह गई? तो दोस्तों कांग्रेस का पत्ता पूरी तरह साफ हो गया। 2016 के अंदर 44 सीट जीती थी दोस्तों IMC ने। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया 2016 के बाद, आज स्थिति बहुत ज़्यादा कांग्रेस के लिए वहां पर ख़राब हो चुकी है। अभी कांग्रेस अपनी जमीन तलाश कर रही है कि शायद उसे कुछ सीटें मिल जाए। अभी वहां के गवर्नर जो है उनका नाम है राजदीप धनखड़, अभी बंगाल के गवर्नर है। और अभी जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी है, इलेक्शन चल रहे हैं। तो यहाँ पर कितने फेज में इलेक्शन हो रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर 7 फेज के अंदर इलेक्शन, सॉरी 9 फेज के अंदर दोस्तों यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, पूरे 9 फेज। इतने ज़्यादा फेज क्यों हो रहे हैं? जबकि केरल में जाएंगे आप, तमिलनाडु के अंदर जाएंगे, पुडुचेरी में जाएंगे, तो वहाँ पे सिर्फ एक दिन वोटिंग हुई और सभी जगह चुनाव पूरे हो गए एक दिन के अंदर सब जगह। तो इतनी यहाँ पे मतलब ज़्यादा चरणों में चुनाव क्यों किए जा रहे हैं? क्या इसका कोई कुछ कारण होंगे इसके भी? तो इसका कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पर मतलब सिक्योरिटी लेवल इतना अच्छा नहीं है, यहाँ के ट्रैक रिकॉर्ड है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इलेक्शन कमीशन हर साल हर बार बदनाम होता है कि यहाँ पे मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है EVM के अंदर। और इस साल भी देखा गया है कई EVM बीजेपी नेताओं के घर में मिल रही है, कहीं पे TMC नेताओं के घर में मिल रही है। अभी एक गाड़ी मिली थी जिसमें बीजेपी नेता की गाड़ी थी, और वहाँ पर एक EVM के अंदर गाड़ी, EVM मतलब गाड़ी के अंदर मिली। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको देखकर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो फीज बढ़ा देता है, ताकि सिक्योरिटी पूरी तरह से काम में ली जा सके, जो पुलिस बल होती है, जो सेंट्रल रिजर्व फोर्स होती है, वो सब जगह सही से काम कर सके और आराम से काम कर सके। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है बंगाल के अंदर कि आप देखिए यार, बंगाल मतलब जहाँ पे 294 सीट थी उसमें से लगभग 200 प्लस TMC ने 2016 के अंदर जीती थी, और BJP सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी। आज वही BJP TMC को डायरेक्ट टक्कर दे रही है, और मुकाबला दोस्तों ऐसा है कि मतलब कुछ भी अभी कह नहीं सकते हैं। जितने भी अभी ओपिनियन पोल आए अलग अलग, NDTV ने निकाला अपना ओपिनियन पोल, या ABP न्यूज, आज तक, सभी जितने भी पोल है, सब आप पोल देखोगे ना तो पता चलेगा कि TMC वहां पे जीत रही है। लेकिन जो वोट होते हैं ना दोस्तों, कुछ भी कह नहीं सकते हैं। एंड टाइम पे क्या पता क्या होगा, और उसका सच तो 2 मई को ही पता चलेगा। और TMC के जो रणनीतिकार है आप शायद जानते होंगे, प्रशांत किशोर, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि BJP 100 से ज्यादा सीटें नहीं ले आएगी वहां पे, सरकार तो छोड़ो 100 से ज्यादा सीट नहीं आ पाएगी वहां पे BJP की, और अगर आ जाती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे, जो ये उनका जो काम है राजनीतिक मतलब पार्टियों को रणनीति तैयार करना उनके लिए, तो वो छोड़ देंगे, वो अपना काम छोड़ देंगे, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन अभी उनका एक वायरल वीडियो भी आया जिसमें वो कह रहे हैं कि
मोदी जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ममता बनर्जी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन एक तरह से उन्होंने इशारा किया है कि टक्कर जो है वो मुकाबले की है और कुछ भी नहीं कह सकते हैं, किसी की भी सरकार बन सकती है। आप देख रहे हैं अमित शाह कितनी रैलियां कर रहे हैं, बहुत रैलियों पे रैलियां हो रही है दोस्तों, कोरोना चल रहा है और लेकिन रैलियां चल रही है उनकी, कोई मास्क नहीं पहन रहा है, सब चल रहा है चुनावों के अंदर। लेकिन दोस्तों एक बात बता दो कि अगर कोरोना से बचना है ना तो रैलियों में जाओ, चुनावी रैलियों में जाओ, नेताओं के भाषण सुनो, आपको कोई कोरोना नहीं होगा। लेकिन अगर आप काम पे जाओगे, अगर आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आपको कोरोना हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और इसी तरह जो ममता बनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा चुनाव प्रचार कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि मतलब क्या हो रहा है बंगाल में, पूरा देश मतलब सोच रहा होगा कि यहाँ पे तो क्या मस्त काम हो रहा है, लेकिन जब वहाँ जाके देखते हैं तो लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ रही है दोस्तों, लोकतंत्र मतलब समझ सकते हो आप। तो मतलब चुनाव में आप देखो, मतलब चुनाव वैसा रहा ही नहीं है यार, चुनाव को इन्होंने कैसा बना दिया, झगड़े मारपीट सब ऐसा हो गया काम, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, मतलब डेवलपमेंट की कहीं बात ही नहीं है, न विकास की बात, न रोजगार की बात, समझो आप यार। तो कुछ भी हो सकता है पश्चिम बंगाल में, अभी आपको जो चुनावी घमासान इतना सब कुछ हो रहा है उसमें 4 लोगों की डेथ हो गई, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, सारी पार्टियां अपनी राजनीति कर रही हैं। अभी कांग्रेस भी, जो पिछले जो चुनाव हुए उसके अंदर तो कांग्रेस का कुछ हुआ नहीं, लेकिन क्योंकि उनके जो मुख्य लीडर है राहुल गांधी, वो खुद पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक भी बार प्रचार करने नहीं आए, क्योंकि वो केरल असम वहां देख रहे हैं, उस पर मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा ओपिनियन पोल के साथ। लेकिन हाँ, जहां तक अभी नई खबर आ रही है कि यहाँ पर अभी 12 तारीख से राहुल गांधी भी वहां पे प्रचार करने जाएंगे, ये कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है बोला जा रहा है कि 12 तारीख से राहुल गांधी भी वहां पर प्रचार के लिए जाएंगे, देखते हैं। तो चुनाव के अंदर क्या होता है कुछ कह नहीं सकते हैं दोस्तों। और मेरे अगर ओपिनियन की बात करें तो टीएमसी वहां पे जीत रही है और बीजेपी हार रही है, लेकिन जो हार का अंतर है ना दोस्तों बहुत माइनर रहेगा, बहुत माइनर। जो और सबसे बड़ी बात है, मैं बीजेपी को मतलब कहूंगा कि यार रियल में जो काम किया है बीजेपी की, जो स्ट्रेटजी है ना दोस्तों अनबिलीवेबल, जबरदस्त, जो अमित शाह जो चाणक्य कहते हैं ना उनको, रियल में चाणक्य है वो, जिस तरह से उनकी स्ट्रेटजी है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मतलब आप समझिए, जो पार्टी 3 सीट पर थी, मतलब वहां पे उनका कुछ नाम निशान नहीं था, वो पार्टी आज डायरेक्ट लीडिंग में आ रही है और अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, और कुछ कह नहीं सकते हैं, सरकार भी बना दे, लेकिन अगर सरकार नहीं बना पाई तो मतलब बहुत ही टच में होगी। और आपको पता है अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड, अगर सरकार नहीं बनती है तो क्या होता है, सरकार गिर जाती है। लेकिन अगर मतलब पास में रहा ना, ज्यादा मतलब अंतर नहीं रहा ना सरकार, अगर टीएमसी की बन गई तो कंफर्म है वहां पे बीजेपी की सरकार आ जाएगी। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली वीडियो केरल पे लेके आऊंगा, ताकि आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी केरल, अमित पश्चिम बंगाल क्यों नहीं आ रहे हैं। थैंक यू।